Dear student, good morning. आज का हमारा टॉपिक फिर वही मैक्सिमा मिनिमा उस पर बेस्ड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम ले ली हमने कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एक्स एंड वाई, या सीधा भी कह दें कि सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स इज मान लिया 10 एंड देयर प्रोडक्ट जिसे हमने डिफाइन कर ली हो उसके बारे में पूछ ले कि मैक्सिमा या मिनिमा हो जाए, ये डिस्कस करिए कि भी ऐसे दो नंबर बताइए जिनका जो 10 है और उनकी प्रोडक्ट जो है वो अधिक से अधिक या कम से कम कुछ भी पूछ ले वो। तो हम मान लिया दो नंबर एक्स एंड वाई एंड देयर सम इज 10 और यहाँ जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को जैसे हमने पी से डिनोट कर दिया है पी जी इक्वल टू एक्स इंटू वाई पी जी इक्वल टू। अब ये हमेशा ही करेंगे हम कि भाई दो वेरिएबल यदि हैं एक वेरिएबल में दो वेरिएबल में एक इक्वेशन हमेशा हर क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। जैसे इक्वेशन है तो इसकी हेल्प से हम इसको एक वेरिएबल में इस एक्सप्रेशन को तैयार करेंगे। जैसे एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ डाल दी हमने 10 माइनस एक्स और सिंप्लीफिकेशन भी है 10x-x के लिए तो दिस इज टू। अब मैक्सिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें इस प्रकार की एक्सप्रेशन थी। हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो डाउनवर्ड यदि पैराबोला है तो उसकी जो लेंथ हाइट है या हम कह देंगे भी वो तो मैक्सिमम पर जाएगा जैसे इस प्रकार से कर्व घूमेगा ही, और मिनिमम कोई भी लेंथ हो सकती है ई मिनिमम कितना भी हो सकता है एक्स कोई भी वेरी करवाएंगे हम, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो आप सिल्यूट बोलते हो या लोकल मैक्सिमा बोल रहे हो वो हमारी फाइनाइट आएगी। तो अब क्वेश्चन हम पूरा करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फाइंड टू पॉजिटिव नंबर जो सम इज देयर एंड देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं हमने गिवन कंडीशन लिखते हुए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हमने तैयार कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आया 10-2x। ये डिफरेंशिएशन का मतलब हमने काफ़ी बार सुना है, इसका मतलब ये है कि एक्स को जब हम वेरी करवाते हैं एक्स का मतलब ये और वाई और एक्स इन्वॉल्व होगा कि एक्स में ही ले आया हम तो एक्स को वेरी करवाएंगे तो पी में जो वेरियंस है पी में जो चेंज आएगी वो किस प्रकार की आएगी। तो जैसे एक्स से 1, 2, 3, 8 जो भी रखें तो अब हमने डिफरेंशिएशन का मतलब ये है। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू देखें कि अभी एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू आई जिसे पी मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। पी का मतलब जैसे पीछे हम एक्सरसाइज मिनिमा मैक्सिमा थी उसमें वाई मानते थे या एक्स मानते थे, यहाँ उसको हमने पी एक्स भी बोल सकते हैं जेड वेरिएबल में यहाँ है या पी बोल दी। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट बी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 तो दैट मीन्स 10-2x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5। अब डबल डेरिवेटिव वाला हमने जो मैक्सिमा मिनिमा हमें बताता है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो रूल या वो प्रॉपर्टी से भी तो सीधा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार फिर देयर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो दिस इज इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू 5 रख दें एक्स है नहीं इसलिए -2 ही रहेगी तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव हमारी नेगेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आए उसका मतलब ये था कि भी हम मैक्सिमम होंगे। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम लोकल वैल्यू आएगी। तो हम कहेंगे
कि भी एक बार फिर रिपीट करते हैं कि भी डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव तो दैट मीन्स पी विल बी मैक्सिमम, पी विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5। इसने मैक्सिमम नहीं मान लिया है पी, प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी नहीं मान सकता है, पी विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो एक्स यदि 5 है तो फिर वाई कितना वो भी 5 ही हो जाएगा, दैट मीन्स x is equal to 5 तो जब y is equal to 5। अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसी बात को, जैसे दो नंबर यहाँ 5-5 बाई चांस बराबर आ गई क्वेश्चन अनुसार तो आना ही है, जैसे मान लिया 6 और 4 ले लिया जोड़ 10 है तो 6 और 4 की प्रोडक्ट हमारी 24 आई, 24 का मतलब कम आई, और ले लो कोई जैसे 9 और 1 ले लें या कोई भी 3-7 ले लें, दो नंबर का जोड़ हमने पूरा किया फिर उनकी प्रोडक्ट कंसीडर की हमने, तो 25 जो आया है जो मैक्सिमम आया है वो तभी आ सकता है जब एक्स और वाई बराबर कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इस प्रकार का, लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल दिया जाए और फिर मैक्सिमा मिनिमा हम निकाल सकते हैं। अब एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 5 इसमें रख दें तो लिख देंगे कि भी पी मैक्सिमम मेरे हमारी 25 है, ऐसे दो नंबर इसी पर आधारित, जैसे हम ज्योमेट्री में एक सवाल तैयार कर लें यहाँ यूँ कह दिया जाए कि भी एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का जो पेरिमीटर है वो 20 है, सेम क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक्स है ये वाई मान लिया, ये एक्स है ये वाई, तो पेरिमीटर का मतलब है कि 2x + 2y = 20 और फिर कह देंगे इसका जो एरिया है उसके लिए इसके बारे में बताओ उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, तो एरिया का मतलब एक्स इंटू वाई, यहाँ भी तो एक्स इंटू वाई ही है, यहाँ पर तो सीधा साई दो नंबर की बात करनी थी हमने, और यहाँ क्वेश्चन क्या कर दिया कि ऑब्टेन या यू कह दिया जाए कि ऑल सर्कल्स विद गिवन पैरामीटर 20 will be में will be their area will be maximum if it is square, यदि square हो जाता है तभी इसका area अधिक से अधिक आएगा। पहले हमारा rectangle बोला है हमने कि वो सारे के सारे rectangle जिनका perimeter दिया हुआ हो maximum area की शर्त में वो square होगा, ये पक्की बात है। जैसे यहाँ x बराबर y 5 आने का मतलब यही था, सेम हम यही प्रोसीजर या यही प्रक्रिया जैसे प्रक्रिया दिखाई है इस द्वारा सवाल वो कर सकते हैं, बस मानना यही है कि लेट द साइड जो का रेक्टेंगल एक्स एंड वाई द सम ऑफ द ऑल साइड्स इसको पैरामीटर जैसे बोल दिया कि बराबर 20 है तो उसे फिर भाग दे दें और फिर एरिया मान लिया, ए से भी नोट कर सकते हैं, बी से भी मान लिया, तो ए वहाँ हो जाएगा एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स डी ए डबल डेरिवेटिव, फिर कहते हैं ए विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 5 और ये भी 5 ही आई हमारी जो दूसरी लेंथ है, तो ये दोनों बराबर थे बात तो इसका मतलब ये स्केयर हो गया, ठीक है। और ले लें कोई भी इसमें कोई कंडीशन लगा ले, अब जैसे इसका उल्टा दे दें, उल्टे का मतलब ये है कि जैसे यहाँ इसी को ले लें क्योंकि एक रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है वो मान लिया 25 है, ठीक है, और इसका जो पैरामीटर है उसको मिनिमाइज करने की कंडीशन एक्स वाई डिस्कस कर दिया, जैसे एक्स है ये वाई है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, उल्टे का मतलब प्रोडक्ट को दे दिया है, जैसे यही भी यूं कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 25 या कुछ भी कर दे 100 घूम दे तो फाइंड देयर मीनिंग फाइंड देयर मिनिमम एज देयर सम, यानी उनका जोड़ जो कम से कम आने की कंडीशन में एक्स वाई तो भाई क्या हो, प्रोडक्ट तो 25 निश्चित कर दी उसने, तो यहाँ देखिए अब इसमें क्या कह दिया हमने डायमेंशन मानी है, डायमेंशन तो प्रोडक्ट एक लेक्स में करवाई वी आर गिवन एक्स वाई जी 25 हेयर, जैसे जोड़ के रूप में हम एस मान सकते हैं कि
तीन भी मान सकते हैं, पहले मैट्रिक्स प्लस वाई। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है वाई को रूट में करके एक वेरिएबल में बदले हमने वी आर सी बटे एक्स। अभी एक्स यानी एक्सप्रेशन तैयार हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं बी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी फाइव रूट एक्स स्क्वायर। और देखो इसके ऊपर ये हमने बार बार काफ़ी बार मतलब इसके ऊपर संकेत दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपस में रेसिप्रोकल का रूप है। तो एक्स यदि पॉजिटिव है हमारा तो इसका ग्राफ तो ऐसे भी आएगा, इसका मतलब मिनिमम तो आनी ही है। और कब है ये मिनिमम, देखेंगे जैसे एक्स बराबर है एक यहाँ डेरिवेटिव निकाली एक्स के, तो एक्स की वैल्यू यहाँ भी हमारे पास पाँच ही आई, प्लस माइनस फाइव आ रही है। लेकिन इसने प्रश्न में ये दिया गया है कि अभी रेक्टेंगल है, साइड जो है दोनों पॉजिटिव होंगी, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। कहने का यहाँ मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है और फिर उसको सोल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में किया था फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल दिया हमने, एक्स कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इसको इसको एक्सट्रीम बना देगा, यानी एक्सट्रीमिटी पर ले जाएगा, एक्सट्रीमिटी का मतलब मिनिमम या मैक्सिमम। तो उस शर्त में हम हमेशा क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दें, जीरो का मतलब मोड़ नहीं होगा ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे इसमें भी किया लिखते हुए बिफोर मैक्सिमा और मिनिमा रूट बी एस अपॉन बी एक्स जीरो प्लस माइनस फाइव रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन एक्स इज इक्वल टू फाइव। नाउ टू फाइंड डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव थोड़ा लंबा पड़ रहा है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है जो साइन चेंज करके हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करने की दो विधियाँ हमें डिस्कस करी, एक तो आई एफ डेरिवेटिव है और एक फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो उसके लिए हम यह फैक्टर देखें, लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव और पाँच के। अब वहाँ यदि हम देखें दो लीनियर फैक्टर आए एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, तो हम कहेंगे पाँच से बड़े के लिए पॉजिटिव होगा, माइनस पाँच और पाँच के बीच में नेगेटिव आएगा और माइनस पाँच के ऊपर। भाई यही क्वेश्चन हमारा पीछे जो एक्सरसाइज थी उसमें ये देता कह देता कि भाई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम डिस्कस करो, तो फिर तो हम एक्स की दो वैल्यू लेते प्लस माइनस फाइव। और फिर वहाँ जो बार बार हमने वेवी मेथड से तैयार किया उसके भी पाँच और ये माइनस पाँच मैक्स डिफेक्टराइज करते हुए या पॉजिटिव साइन या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता था, यही क्वेश्चन दे दें और कह दिया कि डिस्कस द मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी के लिए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जैसे ये निकला और फिर इसके फैक्टर दिए एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, फिर हमने एकदम जो हमारा रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर चिन्ह देखते हुए तो पाँच से छोटे के लिए बोलेंगे तो पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे हम इसका ग्राफ यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव की तरफ से आए तो इस प्रकार से घूमता है इसका ग्राफ, तो ये हमारा पाँच माइनस पाँच और ये पाँच, तो माइनस पाँच से छोटे के लिए ग्राफ बोल रहे हैं देखिए पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, टेंजेंट जो भी खींची जाएंगी उसके स्लोप की बात हुई है पॉजिटिव और यहाँ क्रिटिकल हो गया टेंजेंट जीरो हो गई, टेंजेंट का स्लोप जीरो हो गया और फिर ये नेगेटिव, तो यही बात तो सारी आपस में एक सी है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन जैसे पिछली एक्सरसाइज की फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई एक्स बराबर माइनस फाइव के ऊपर इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी और पाँच के ऊपर मिनिमम है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि भाई हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली कि भाई हमने एक फिगर दी, फिगर क्या दी है कि भी एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल में उसकी जो एरिया है उसको 25 बोल दिया, ठीक है ना भाई, 25
यानी दो नंबर की गुणा पच्चीस दोनों नंबर पॉजिटिव है, कोई भी ले लूं मैं, 12.5 ले लूं और इसको 2 ले लूं, इसको 25 ले लूं, इसको 1 ले लूं, तो हमने बार बार यही देखा है। तो अब इसने क्या कहा है, तो दो नंबर दो, जैसे आपस डेरिवेटिव निकालो उसको बराबर 0 की x बराबर 5 लेंगे। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालें, जैसे इस क्वेश्चन में तो आसान था डबल डेरिवेटिव निकालना, या डबल डेरिवेटिव ना निकाल करके फर्स्ट डेरिवेटिव जो मेथड है उससे चलेंगे। यदि देहन x इज स्लाइटली लेस देन 5, 5 से थोड़े से कम के लिए डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ये देखो ये रह गया, और ग्रेटर देन 5, स्लाइटली ग्रेटर देन 5, f डैश x का साइन देख रहे हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये हम कह देंगे f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम, तो हम यही बात यहाँ बोल देंगे मिनिमम। तो दैट मीन्स s इज मिनिमम, s हमारा ये है, कौन है s, s का मतलब था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा यहाँ मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम की कंडीशन आई मिनिमम, मिनिमम मिनिमम का मतलब ये चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। या डबल डेरिवेटिव निकाल दो उससे भी, मतलब बातें एक सी हैं सारी, जैसे मैं इसको डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो एक्स ए और एक्स डी छोड़ूंगा, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर आप एक्स बराबर 5 रखेंगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा ना पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि हम मिनिमम पर हैं। प्रश्न फिर दोहराया जा रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25, फाइंड इट्स डायमेंशन फॉर मिनिमम पेरीमीटर, ये क्वेश्चन है मिनिमम पेरीमीटर। तो वी अज्यूम एक्स एंड वाई, देयर प्रोडक्ट इज 25, एरिया इज गिवन, हेयर वी कंसीडर एज एक्सप्रेशन एज सम, सम मतलब दो साइड का जो जोड़, वैसे पेरीमीटर में हमने लेना तो था ये भी 2 × x + y, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, और ये बराबर है समान भी है, क्योंकि हाँ इस y की जगह हम क्या रखते हैं, जैसे यहाँ 25 / x, इसको डिफ्रेंशिएट किए दूंगा तो यहाँ पर हमें रहेगा, यहाँ भी 2 यहाँ पर हमें रहेगा, डेरिवेटिव में और कोफिशिएंट में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फिर हमने इसको 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू तो फिर वही 5 आई, तो x ये थी 5 है तो y भी तो 5 ही है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये क्या कहा, क्या है कि भाई 5 ये है 25 ध्रुव है, और 5 को 4 बार बना करके जोड़ोगे तो पेरीमीटर 20 आएगा, तो ये कम से कम है। यदि और कोई भी दो नंबर तुम जिनकी गुणा 25 है उसका जोड़ जो है चारों भुजाओं का, या यूँ कह देखिए इन दोनों को जोड़ करके 2 से गुणा करके दिखाओ, वो तुम्हारा 25 से फालतू ही होगा। जैसे और ले लो 12.5 × 2 लिया, तो 12.5 को जोड़ो, 12.5 + 2 ये साइड है, ये साइड को जोड़ करके 2 से गुणा करके देखो तुम्हारा 25 से ऊपर जाएगा। इसका मतलब है तो पेरीमीटर हमारा मिनिमम तक तभी होगा जब x 5 है, तो x 5 है तो वाई भी 5 ही है, तो इस केस में फिर हम कहेंगे भाई ये स्केयर ही होगा, तो बोल करके लैंग्वेज में कुछ भी बोल दो। अच्छा एक बात और भी नोट करने की है, मतलब क्या होता है कि लिस्ट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट वैल्यू डिस्कस करने को एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मैक्सिमम वैल्यू ये पीछे जैसे +1 में एक तो रूप सीखा था हमने AMGM से डिस्कस करते थे, एक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब किया था वहाँ भी हम मिनिमम वैल्यू डिस्कस करते हैं, जैसे एक फंक्शन मान लिया इंक्रीजिंग ही होता चला गया और उसका एक्सट्रीमिटी दे रखी हो इंटरवल की, तो हम कहेंगे कि भाई जो एक्स की वैल्यू इधर जो लिस्ट है वो कम से कम आएगा और ये अधिक से अधिक आएगा, ये भी एक विधि है, ये तो इसी में शामिल हो गई होगा। ठीक है मैक्सिमा मिनिमम मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन दे दो, उस एक्सप्रेशन का कम से कम वैल्यू या अधिक से अधिक वैल्यू यदि वो एग्जिस्ट हो रही हो, डिफाइन हो रही हो, तो वो डिस्कस करनी होती है। तो ये दूसरा नहीं एक से ही है, इस तरह से बोल दे या इस तरह से बोल दे, एक एग्जाम्पल हो गया
जैसे अपने ट्रेन में आधारित एक क्वेश्चन लिया कि जैसे मान लिया अपने ट्रेन में कोई ट्रेंगल और उस ट्रेंगल की तीनों भुजाएं का जैसे जोड़ दे दिया, जोड़ का मतलब फिक्स दे दिया, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज 8, लेफ्ट द साइड तो मानेंगे हम ए बी सी देयर सम इज 8, आउट ऑफ होल थ्री गिवन साइड दैट साइड इज गिवन, एक साइड से मान लिया 3 सेंटीमीटर दे दिए, ए मान लेते हैं कुछ ही ए 3 सेंटीमीटर है और बी प्लस सी हम कहेंगे कि 5 के बराबर आ गया। अब इस प्रश्न में ये पूछ लेंगे कि बी और सी के बारे में तुम क्या बोलोगे जब इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, तो कोई विशेष प्रकार की ट्राइंगल तो है नहीं है, ठीक है, तो विशेष प्रकार का मतलब है कि नहीं कोई रेगुलर आ जाए या आइसोसेल्स आ जाए या राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, वो ही दिया जाते हैं क्योंकि एरिया के फार्मूले विशेष तैयार किए गए हैं, इसका तो फार्मूला वही है, नॉन फार्मूला उस एक्सप्रेशन को तैयार करिए, एक वेरिएबल में ले आओ, देखते हैं इस प्रकार से हमारे पास यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर एन का प्लस है, ये एस का मतलब होता है हाफ पैरामीटर, तो क्या हम एरिया को डिस्कस करके लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया भी ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जो एक्सप्रेशन हम यहाँ बनाना है उसको एरिया बी सी को डिफ्रेंशिएट करना है और एक वेरिएबल मिलना चाहिए, तो डी अपॉन मान लिया वेरिएबल में से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है दो वेरिएबल बी और सी, ये कह रहे हैं कि बी जैसे मान लिया ये है और सी ये है, तो बी और सी ये तो निश्चित हो गई और बी और सी का जोड़ पक्का 5 भी हो, तो 5 को जोड़ बी और सी के लिए पता नहीं क्या क्या वेरिएबल ले लें हम, अनगिनत ले सकते हैं जोड़ 5 के लिए, तो बी और सी डिटरमाइन करनी है जिससे इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, तो एरिया का फार्मूला डिस्कस करते हैं, लोन फार्मूला ही है हमारे पास, कोई विशेष ट्रैंगल नहीं है, एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ तो क्या क्या हमारे पास फिक्स है, यानी जो वेरिएबल नहीं है, एस ऐसे वेरिएबल नहीं है जो कि 4 के बराबर है, एस 4 है ए 3 दे रखे है तो 1, एस माइनस बी 4 माइनस बी और यहाँ 4 माइनस सी ये ए के बराबर, फिर देखें भाई बी और सी दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ से ये शर्त दे रखी है, यहाँ से हमें फायदा मिलेगा, इस सवाल में ऐसे ही थे कि दो नंबर का जोड़ तो 5 दे दिया और उनमें से एक नंबर की वैल्यू यहाँ डाल दी ताकि वो ए वेरिएबल में एक्सप्रेशन बन जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू इतने को सिंप्लीफाई करेंगे 4 इंटू 4 माइनस बी, मान लिया सी को हम हटा रहे हैं तो 4 माइनस ब्रैकेट लगा लिया या सीधा लिख सकते हैं 5, क्या लिख रहे हो सी को हटाया 5 माइनस बी, ये 5 प्लस बी हो गए, तो दिस इज ए, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यह एक छोटी सी बात नोटिस करने के लिए है कि तो हम जैसे 2-3 क्वेश्चन किए हैं कि ये हमारा ए आ गया था, यदि इसको मैक्सिमम या मिनिमम यदि होना ही है तो इसका मैं स्केयर कर दूँ और स्केयर करके फिर मैं डिफ्रेंशिएट स्केयर करके फिर मैं आगे प्रक्रिया अपनी या प्रोसीजर वही दोहराऊँ, तो दोहराते आगे आगे करूँ क्या करें, एक बार में इसका स्केयरिंग करता हूँ बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार स्केयरिंग क्यों करने हैं स्केयरिंग, क्योंकि मुझे ये रूट है कि अकाउंट कट जाएगा फिर तो स्केयरिंग से एक पार्ट बच जाएगा, तो 4 इंटू 4 माइनस बी और यहाँ से आ गया बी माइनस 1, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, इस फैक्टर में से कॉमन ले लिया तो बी माइनस 4 और ये बी माइनस 1, तो सीधी प्रोडक्ट करते हैं बी स्केयर माइनस 5 बी प्लस 4 प्लस 4 बी माइनस 1 और ये बी माइनस 4 इंटू बी माइनस 1, तो दिस इज ए स्केयर, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस, तो दिस विल बी डी ऑफ ए स्केयर और डी ऑफ बी, बी का मतलब इसको वेरी करवाए तो माइनस 4 इंटू
differentiation with respect to BT and 2B minus 5. This is the derivative of this expression. Now we put this 0 for maximum or minimum. क्वेश्चन में करेंगे तो 4 लिखते हुए मैक्सिमा और मिनिमा आप इज जीरो तो b इज इक्वल टू 5 आई कौन सा में तो नाउ वी फाइंड डबल डेरिवेटिव फॉर दिस तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस 4 एज का कोफिशिएंट b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है तो वो यू का ही रहेगा हियर d स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन bb इसका स्क्वायर नोटिस होता है डबल डेरिवेटिव का दैट इज माइनस 5 इनटू 2 विद रिस्पेक्ट टू b तो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव माइनस 8 इज नेगेटिव नंबर तो यदि नेगेटिव आ गया तो तुरंत कौन किसके बारे में हम कमेंट करेंगे भाई a स्क्वायर इज मैक्सिमम क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन था वो a स्क्वायर में बना लिया था हमने a स्क्वायर विल बी मैक्सिमम व्हेन b is 5 by 2 और b यदि 5 बटे 2 है तो c भी तो 5 बटे 2 ही होगा क्योंकि दोनों का जोड़ 5 है a स्क्वायर यदि मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम ही होगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी की बात चल रही है कोई भी नंबर यदि 5 है अधिक से अधिक आया तो उसका स्क्वायर भी अधिक से अधिक होगा तो ये हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो इसका स्केल चाहिए ताकि रूट से हम रूट समेत लेके चलो तो भी चल सकते हैं उत्तर वही आना है फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको बराबर जीरो फिर डबल डेरिवेटिव बातें नहीं है एक अपने जो ट्राइंगल है नॉन जो ट्राइंगल बोलते हैं जिसको स्केलेंस बोली जाती है उस ट्राइंगल के बारे में हमने डिस्कशन किया है और ले लें जैसे इसी ट्राइंगल में दो साइड दे दी जाए कि भी जैसे मान लिया कि भी ए बी और ए सी दो साइड फिक्स कर दिए हैं और बीच का एंगल है वो थीटा दे दिया यहाँ से देखो ये फिगर तो ये ट्राइंगल ए बी सी या सीधा ही कह दे कि टू साइड आ गई हो एज मान लिया ये ए साइड ए लेंथ की और ये बी लेंथ की साइड है और ये एंगल जैसे थीटा हो गई इसने कह दिया क्वेश्चन में क्या कहेगा कि ये ए ही लेंथ रखिए ये बी ही लेंथ रखिए और इसको मान लिया यूँ मूव करवा दो थीटा को बढ़ा लो जैसे तो तीसरी साइड तो बढ़ेगी या फिर इसको मैं थीटा को छोटा कर दूँ तो फिर ये तीसरी साइड छोटी हुई तो अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से तैयार कर सकता है कि इन ए ट्राइंगल टू साइड्स आर गिवन एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज आल्सो गिवन एज थीटा दिस इज द वेरिएबल मतलब यह नहीं है कि उनके बीच का एंगल जो है वो वेरी ना करे या फिर इतना ही बोलते हैं कि विद इन ट्राइंगल टू साइड्स आर गिवन फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस सो दैट दिस ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया तो मैक्सिमम एरिया की कंडीशन में ये थीटा डिस्कस हो कितना है तो इसका भी जैसे एरिया की बात आई है यहाँ भी एरिया को हमने मैक्सिमम मिनिमम करना था तो एरिया का ही एक्सप्रेशन तैयार करेंगे यहाँ भी एरिया का एक्सप्रेशन तो क्या है कोई ऐसा फार्मूला जो हमारा दो साइड दे रखी हो और जो बीच का एंगल है वो भी हमारे पास इन्वॉल्व करते हुए दिखाई दे तो हम कह देंगे हाँ ये तो है 1 by 2 into given side into angle between them this is the area delta के बराबर मान लें a के बराबर मान लो जो भी तो ये अब इसमें ये देखो कि हम इसको differentiate किसके भी respect में करें theta के क्योंकि a और b तो constant है a और b given two sides what can you say about their equivalent angle so that the maximum area is maximum तो नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वेयर वी हैव डी अपॉन डी थीटा और डी डेल्टा अपॉन डी थीटा बराबर इज इक्वल टू 1 बाय 2 ए बी इनटू कॉस थीटा नाउ वी पुट दिस जीरो इस डेरिवेटिव को निकाल दिया हमने तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 ना होता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम और डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0
तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 जो ट्रायंगल है ट्रायंगल में 3 पाई बाय 2 का तो एंगल हो नहीं सकता है कि आगे यूं नहीं कि cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 1 के लिए पाई बाय 2 में लूप रखें तो लूप एक्सप्रेशन उसके हिसाब से देखना होता है तो थीटा मस्ट बी पाई बाय 2 इन दिस केस तो नाउ वी फाइंड डबल डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा और मिनिमा तो v डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर a अपॉन d थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा थीटा की वैल्यू डाले पाई बाय 2 व्हिच इज नेगेटिव हमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ही देखना है डबल डेरिवेटिव के लिए